मतलब वहां पर जो 20,000 मिलते हैं आपको, क्या खाना खर्चा किस तरह से, क्या वो होता है, क्या बचत होती है, क्या ये थोड़ा सा बताइए, क्योंकि बच्चों के मन में एक क्वेरी रहती है कि बाहर निकलेंगे तो हमारा खर्चा कितने में चल जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास, बारे में थोड़ा सा जी जानकारी। सर, अभी सर बात करें, हम लोगों का स्टाइपेंड 20,000 है, तो इसमें 1,500 कमने का निकल जाता है। फिर 1,000 रुपया हम लोग खाना का निकाल देते हैं, तो लगभग मान लीजिए 4,000 रुपया हमारा ऐसा ही निकल जाता है। 4,000, 16,000 तो बच ही जाते हैं अच्छा ऐसे मोटा मोटी देखा जाए तो 4,000 रुपया निकल जाता है, ऐसा मान लीजिए हैं। तो अभी तक 16,000 पड़ जाते हैं, 16, 16.5 इस तरीके से बच जाते हैं 1 मंथ के। अच्छा और दूसरी बात, ये खाना किस तरह से होता है, 1,000 रुपये कहाँ निकाल देते हैं आप, क्या जमा करते हैं, कंट्रीब्यूट कर लेते हैं? सब्जी सब हाँ, एक ऐसा है सर, हम लोगों ने एक ग्रुप बना लिया है कि एक बंदे को रुपए दे दिए हैं, 1,000 रुपए जमा कर देते हैं, तो सब्जी वगैरह वो ही लाता है, सब कुछ उसी में से महीने की सब्जी आती है, फिर अगले महीने को फिर उसमें जमा कर देते हैं। ऐसा हम लोगों ने प्लानिंग बनाई है हमारे रूम पे, इस तरीके से प्लानिंग बनाई है लोगों ने, ये तो शाम का खाना हुआ, ऐसा है। हाँ, शाम का हुआ, रात का हुआ, और दोपहर का। शाम को ही बनाते हैं, दोपहर में कंपनी वाले खुद देते हैं, दोपहर में मिलता है, सुबह में नाश्ता मिलता है, वो सब मिलता है सुबह में। वो सुबह फ्री में ऑफ नाश्ता कॉस्ट में है, लेकर फ्री जाते ही ऑफ कॉस्ट है ये उसका सब? चार्ज करता है, नहीं सर उसका चार्ज करता है 200, 400 रुपए, जैसा आप खाओगे वैसा करता है। 200 रुपए भी कटता था पहले, जैसा खाओगे 400 भी कटता है इस नाश्ते में क्या मिल जाता है जैसे? तरीके से। नाश्ते में तो सर गुजराती है सब कुछ, पोहा है, बड़ा पाव है, वहां की चीजें हैं, ये अपने यूपी में ऐसी चीज नहीं है। मैंने भी नहीं खाई थी, पहली बार मैं गया था, नई से नई चीजें मिली खाने को, पोहा, बड़ा पाव और भी कई चीजें थी, सुनते आधे तो मीठा, मुझे अच्छा अभी भी नाम याद नहीं है। मीठा होता है क्या आपको, थोड़ा मीठा मतलब टेक्सचर लिए हुए खाना होता है क्या, गुजराती खाना है, सुनते हैं ऐसा? हाँ मीठा भी, मीठा 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 मिलता है खाने के साथ, लेकिन हमें ज्यादा पसंद नहीं है तो हम उसको नहीं लेते हैं। दोपहर में खाना खाने जाओ तो मीठा भी देते हैं, मीठी दाल होती है, मीठी मीठी दाल होती है वहां पर, कई चीजें ज्यादातर मीठी ही चीजें हैं। नमकीन खाओगे, नमकीन भी मीठी है उसमें, इस तरीके से है, ज्यादातर अच्छा काफी चीजें मीठी है वहां पर। और शाम का खाना? शुरू शुरू में गए थे तो हमें खाना अच्छा ही नहीं लग रहा था, अब आपको आदत पड़ गई है, शुरू शुरू में खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अच्छा। वहां बिल्कुल जाओ ना, नया माहौल है, एकदम से नया माहौल है, वो चीजें हल करके सीख जाते हैं, खाना अच्छा तो अपना आप सब सीख गए। शाम को तो फिर आप अपना स्पाइसी ही बनाते होंगे खाना। हाँ शाम को तो अपना बनाते हैं रूम पे, दोपहर में डिनर मिल जाता है, और अपना मॉर्निंग में नाश्ता मिल जाता है, अच्छा शाम का खाना फिर इस बनाता कौन है, तरीके। मतलब ड्यूटी लगी हुई है या क्या? नहीं सर, जनरल शिफ्ट है सब लोगों की, जनरल शिफ्ट है, तो प्लानिंग बना लेते हैं। हाँ 2 दिन तुम बनाओगे, 2 दिन तुम, इस तरीके से हम लोग बात लिया है कि 2 दिन तुम लोग बना देना, इस तरीके 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, ऐसा रहता है हम लोगों का, जिससे किसी पे प्रॉपर काम नहीं पड़ता, जिससे ऐसा रहता है कि हाँ तुम सही काम में लगे हुए हो, दो दो करके एक के पास टाइम मिल जाता है, वो पढ़ाई कर लेगा, इस तरीके से बनाया है हम लोगों ने। हाँ साथ साथ में और भी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे? अच्छा सर, अभी ELP का फॉर्म निकला है तो उसके लिए तैयारी हम लोग कर रहे हैं, असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आई है, उसमें हम लोगों ने फॉर्म डाला, उसकी तैयारी भी कर रहे हैं इसमें।